हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी से संबंधित उन सभी प्रश्नों की जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हो, गांधी जी से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, सभी जानते हैं कि गांधी जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? तो जो मोतीलाल नेहरू जी है, उन्होंने जो है गांधी मार्च की तुलना राम जी की लंका यात्रा से की थी। तो यहाँ हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, गांधी जी की वकालत करने के लिए, गांधी जी जो है वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था? तो जो फिनिक्स सेटलमेंट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में डरबन में शुरू किया था। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डरबन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित करके उतार दिया गया था? तो ये जो रेलवे स्टेशन था ये था पीटर मेरिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ये जो हादसा है, ये हादसा जो है गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। यहीं से जो है गांधी जी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, गांधी जी का जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष था वो इसी इसी दिन से, इसी रात से शुरू होता है। बेसिकली हुआ क्या था, गांधी जी जो है एक केस के लिए जा रहे थे। उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट बुक की थी रेल की, क्लास कंपार्टमेंट के लिए। तो जब जब वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे तो उस समय जो क्या था, दक्षिण अफ्रीका में जो है रंग भेद की नीति, जो है रंग भेद पर जो भेदभाव होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। इवन जो रेल की फर्स्ट कंपार्टमेंट होती थी उसमें भी जो है गोरे लोग ही बैठ सकते थे, बाकी जो ब्राउन्स कलर पीपल या ब्लैक कलर पीपल थे उन्हें रेल की थर्ड क्लास में बैठना पड़ता था। गांधी जी ने जो है टिकट फर्स्ट कंपार्टमेंट की ली थी और वे फर्स्ट कंपार्टमेंट में बैठे थे। उसी समय जो है अंग्रेज़ अधिकारी उन्हें देख लेते हैं, तो अंग्रेज़ ऑफिशियल्स जो है दौड़ते हुए उनके पास आते हैं और उन्हें जो है थर्ड कंपार्टमेंट में बैठने के लिए कहते हैं, पर गांधी जी जो है इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके पास टिकट थी फर्स्ट कंपार्टमेंट की। पर अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ होते हैं, उन्होंने गांधी जी को उठाया और उठाकर बाहर फेंक दिया। तो तभी से लेकर जो है गांधी जी का जो सही मायने में जो संघर्ष जो है तभी से शुरू होता है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म कब शुरू किया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा था? तो गांधी जी को जो पहली बार जेल जो है 1908 में जाना पड़ा था। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो जो भारत में प्रथम सत्याग्रह है वो हुआ था चंपारण में।
1917 में जो है गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती में होने वाले शोषण से मजदूरों को मुक्त कराने हेतु अंग्रेज मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और इसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की थी। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला अनशन या भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कारण गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? ये जो उपाधि है केसरे हिंद, ये जो है अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी। तो ये जो उपाधि जो है गांधी जी ने कब लौटा दी थी? ये उपाधि जो है गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी और इन्हें जो ये उपाधि 1915 में मिली थी। तो यहां पर हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? ये जो वर्धा आश्रम है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो ये जो है इन्होंने 1933 में शुरू किया था। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1933। गांधी जी ने साप्ताहिक यंग इंडिया कब शुरू किया था? इस साप्ताहिक को गांधी जी ने 1919 में शुरू किया था। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन कब शुरू किया था? तो इसे भी गांधी जी ने जो है 1919 में ही शुरू किया था। ये जो साप्ताहिकी है गांधी जी के द्वारा प्रकाशित की गई, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो जो गांधी जी को जो सर्वप्रथम महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव का नाम दिया था। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु है वो लियो टॉल्स्टॉय थे। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था? तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। तो हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, देशभक्त। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो हिंद स्वराज का प्रकाशन गांधी जी ने 1908 में किया था। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1908। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो गांधी युग की जो अवधि है वो है 1915 से लेकर 1948। इस अवधि को जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की? तो इसका जो सही जवाब है वो है उपयुक्त सभी। ये जो सभी है, सत्याग्रह, अखिल भारतीय, हरिजन समाज, इंडियन ओपिनियन,
इन सभी की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने की थी। तो ये था हमारी वीडियो का अंत। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसमें जो बाकी क्वेश्चंस बचते हैं वो उसे मैं जो है वीडियो के दूसरे पार्ट में लाऊंगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ कमेंट, एंड जल्दी मैं आपके सामने दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।